पृथ्वीपति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आचार्य चाणक्य जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नीति शास्त्र में एक श्लोक लिखा, जो दुर्जन व्यक्ति और सर्प के संबंध में, वह श्लोक इस प्रकार है। दुर्जनस्य च सर्पस्य दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो दुर्जन वरम सर्पो दुर्जन सर्पो दंसति कालेन सर्पो दंसति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे दुर्जनस्तु पदे पदे। आचार्य चाणक्य जी ने इस श्लोक का अर्थ भी बताया। वो कहते हैं कि काल के हावी होने पर या काल के बलवान होने पर ही सर्प काटता है। सर्प कभी काटेगा नहीं, लेकिन काल के बलवान होने पर ही सर्प काटेगा। लेकिन एक दुर्जन व्यक्ति हर पल आपको परेशान करेगा, विश्वासघात करेगा, छल करेगा, कपट करेगा और आपके साथ धोखा भी देगा। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अगर इन दोनों में से चुनना हो तो कोई भी व्यक्ति दुर्जन पुरुष को न चुने बल्कि एक सर्प को चुन ले, क्योंकि सर्प केवल एक ही बार काटेगा जब काल बलवान होगा। लेकिन एक दुर्जन पुरुष हर पल आपको परेशान करेगा, इसलिए आप सर्प को चुने। इसका तात्पर्य यह है कि एक सज्जन पुरुष हमेशा दुर्जन पुरुष से अपनी दूरी बनाकर रहे, अर्थात दुर्जन पुरुष या दुष्ट पुरुष से दोस्ती कभी न करें और उनसे हमेशा दूरी बनाकर रखें और उनसे कोई विशेष संबंध स्थापित न करें। इसी प्रकार छात्रों को भी चाहिए कि जब वो अपना टारगेट डिसाइड कर लें, अर्थात अपने उद्देश्य को या लक्ष्य को निर्धारित कर लें, तो फिर उस लक्ष्य की तरफ लग जाए और 24 आवर उनके दिमाग में केवल लक्ष्य ही रहना चाहिए। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको क्या करना है, इसका उपाय ढूंढना चाहिए। अगर एक छात्र किसी दुष्ट लड़के से या दुर्जन लड़के से दोस्ती हो जाती है तो भविष्य उसका चौपट हो जाए। लेकिन यही अगर वो अच्छे लड़कों के साथ, सज्जन लड़के के साथ जो पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, जीनियस हैं, मेरिटोरियस हैं, जो ऑलराउंड फर्स्ट क्लास टॉप किए हैं, उनके साथ अगर दोस्ती करते हैं तो जो कम पढ़ने में अच्छा लड़का है उसका भी कल्याण हो जाएगा, वह भी अच्छी जगह पहुंच सकता है। इसलिए मैं सलाह दूंगा छात्रों को कि वो हमेशा अच्छे लड़कों से दोस्ती रखें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। और मेरा विश्वास है कि यदि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं और प्रयास करते हैं और जो अच्छे लड़के हैं उनसे दोस्ती करते हैं, जो समस्याएं आपकी हैं, जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, वह अच्छे लड़कों से, सज्जन लड़कों से पूछ करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। और यह चाणक्य जी का वादा है छात्रों से कि उनको सफलता जरूर मिलेगी जो अपने लक्ष्य की तरफ 24 आवर लगे रहेंगे और उसको प्राप्त करने के लिए हर उपाय करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पृथ्वीपति चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें।